हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिज़ाइन विद मीनाक्षी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको गोपाल जी के लिए पोशाक बनाना सिखाऊंगी। इसे बनाने के लिए आपको कोई भी डिज़ाइनर कपड़ा, अस्तर का कपड़ा, पेस्टिंग नेट का कपड़ा, लेस, टिश्यू रिबन, कॉर्डी, जर्कन चेन, मेटल बूटी, इन सब की ज़रूरत होगी। कलर कॉम्बिनेशन आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। ये पोशाक बनाना बहुत आसान है और बहुत ईजी वे में मैं आपको इसे बनाना सिखाऊंगी। और ये पोशाक आप किसी भी साइज के गोपाल जी के लिए किस तरीके से बना सकते हैं, कितना मेजरमेंट आपको लेना है, ये सब मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये पोशाक बनाना सीखना चाहते हैं तो बने रहें मेरे साथ वीडियो के स्टार्टिंग से एंड तक। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं ये ब्यूटीफुल पोशाक बनाना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस पोशाक को बनाने के लिए मैंने 7 इंच चौड़ा और 8 इंच लंबा एक रेक्टेंगल पीस पेस्टिक में से कट किया और उसको एक डिज़ाइनर कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया। किसी भी साइज़ के गोपाल जी के लिए आप पोशाक बना रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि जितना भी आपके गोपाल जी की पोशाक का डायमीटर होता है उसमें 2 इंच कम करके आपको ये लेना है। जैसे कि मैं ये पोशाक 4 नंबर के गोपाल जी के लिए बना रही हूँ, तो 4 नंबर के गोपाल जी की पोशाक का डायमीटर 10 इंच होता है, तो इसलिए मैंने ये लंबाई इसकी 8 इंच ली है। और जितने हम इसकी लंबाई लेंगे उसकी 1 इंच कम हम इसकी चौड़ाई लेंगे, इतना भी हमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से करते हुए आप किसी भी साइज़ के गोपाल जी के लिए पोशाक बहुत ईजिली बना लेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। ये देखिए, इस तरीके से फोल्ड करने के बाद अब हम इसके ऊपर शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ से इस तरीके से और हल्का सा यहाँ अंदर की साइड लेते हुए इस तरीके से और यहाँ पर गोलाई करेंगे। अगर देखा जाए तो ये एक पपाया की शेप आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसी निशान के ऊपर कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, इस तरीके से ये एक पपाया की शेप आ गई है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर अस्तर लगाना है। तो हम अस्तर के कपड़े के ऊपर इसको रखेंगे और इसके किनारे किनारे सिलाई लगाते हुए अस्तर का कपड़ा इसके नीचे अटैच कर लेंगे। तो चलिए मैं अस्तर का कपड़ा लगा लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। तो ये देखिए, मैंने इसके पीछे अस्तर का कपड़ा अटैच कर दिया है। अब हम इस पर कमर का निशान लगाएंगे। तो ये देखिए, इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, एक बार इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर कमर का निशान लगाएंगे। तो 4 नंबर के गोपाल जी के लिए 0.6 इंच का निशान लगाते हैं। ये देखिए, इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे, एक निशान यहाँ पर लगाएंगे और दूसरा निशान इधर लगाएंगे। और अब इन दोनों निशानों को गोलाई करते हुए आपस में मिला लेंगे और इसी निशान पर कटिंग कर लेंगे। अब हम इसको इस साइड से ओपन करेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। और अब हमें क्या करना है, ये देखिए, कटिंग करने की वजह से ये खुल गया है। तो हम यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद हम इससे मैचिंग करते हुए कोई भी नेट का कपड़ा लेंगे, जैसे कि इसमें रेड कलर है, ग्रीन कलर है, दोनों में से कोई भी कलर का ले सकते हैं। तो उसमें से हम 2 इंच चौड़ी और काफ़ी लंबी पट्टियां कट कर लेंगे। तो चलिए मैं कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे क्या करना है। तो ये देखिए, यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद मैंने रेड कलर की नेट ली और उसमें से 2 इंच चौड़ी और काफ़ी सारी पट्टियाँ कट कर ली हैं। ये देखिए, ये मैंने 35-35 इंच की 5 पट्टियाँ कट की हैं। हमें क्या करना है, इनको आपस में अटैच करना है। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे
और यहाँ सिलाई लगाकर इन सभी को अटैच कर लेंगे। उसके बाद में इनकी फ्रिल तैयार करेंगे। तो देखिए फ्रिल किस तरीके से करनी है, ये देखिए इस तरीके से प्लेट बनाते जाएंगे, गहरी गहरी और पास पास प्लेट बनानी है। इस तरीके से प्लेट बनाते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाते हुए पूरी पट्टी को तैयार कर लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आगे क्या करना है। तो ये देखिए मैंने ये पट्टी प्लेट बनाकर तैयार कर ली है। अब हमें क्या करना है, इसे अपने बेस के ऊपर लगाना है। तो ये देखिए इसको नीचे की साइड से इस तरीके से रखेंगे और इस पोर्शन को ऊपर रखेंगे और यहाँ से इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से रखते जाएंगे और सिलाई लगाते हुए इसको अटैच कर लेंगे। तो चलिए मैं लगा लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे क्या करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रिल मैंने यहाँ पर लगा ली है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए सभी जगह पर हम सवा सवा इंच का निशान लगाएंगे। इस तरीके से इंची टेप को रखते जाएंगे और सभी जगह पर सवा सवा इंच पर निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद अब हमें इसी निशान पर कटिंग करनी है। तो ये देखिए इस तरीके से इन सभी प्लेट्स को पकड़ते जाएंगे और कटिंग करते जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर दी है। कटिंग करने के बाद अब हमें क्या करना है, ये देखिए मैंने इस टाइप की ये लेस ली है। इसको हम यहाँ पर इस तरीके से गोलाई में घुमाते हुए लगाएंगे। आप इसमें कोई भी लेस यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, लेकिन बस आपको ध्यान ये रखना है कि लेस बारीक होनी चाहिए, जिससे कि जब हम इसको गोलाई में लगाएँ तो ये आराम से लग जाए और शेप में कोई डिफरेंस ना आए। तो ये देखिए इस तरीके से हम रखते जाएंगे और सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। और जब ये नोक वाला पोर्शन आएगा तो इसमें हम हल्की सी प्लेट डालकर सिलाई लगाएंगे और इस तरीके से रखकर सिलाई लगाते हुए इस पूरे बेस में अटैच कर लेंगे। तो चलिए अटैच कर लेते हैं, फिर बताते हैं आगे क्या करना है। ये लेस यहाँ पर लगाने के बाद अब हम इसको यहाँ से लॉक करेंगे। तो लॉक करने के लिए मैंने ये गोल्डन कलर का टिश्यू रिबन लिया है। ये देखिए इससे किस तरीके से हमें लॉक करना है। आगे की साइड से इसको हल्का सा फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर आधा नीचे आधा ऊपर इस तरीके से रखेंगे और ऊपर वाले पोर्शन को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और किनारे किनारे सिलाई लगाते हुए दोनों साइड से इसको लॉक कर लेंगे। लॉक करने के बाद यहाँ पर नेफा लगाएंगे। नेफा लगाने के लिए जितना हमारा ये पोर्शन है उसमें एक इंच प्लस करके एक पट्टी कट करेंगे और उस पट्टी की चौड़ाई 2.5 इंच होगी। तो ये पट्टी मैंने पहले से ही कट करके रखी हुई है। हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसको उल्टा करना है और लगभग आधा इंच बाहर की साइड इस तरीके से निकालते हुए इस पूरे राउंड में इसको सिल लेना है। तो चलिए मैं इतना काम कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। तो ये देखिए आगे की साइड से इसको लॉक करने के बाद मैंने ये पट्टी यहाँ पर अटैच कर दी है। अब हम इसको सीधा करेंगे।
और सीधा करने के बाद इस एक्स्ट्रा पोर्शन को अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर डोरी रख लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब इस पोर्शन को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और एक बार इस तरीके से फोल्ड करने के बाद किनारे किनारे सिलाई लगाते हुए इस पूरे पोर्शन में इसको अटैच कर लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं, फिर बताते हैं आगे क्या करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर नेफा बनाकर तैयार कर दिया है। अब हम इसकी चोली बनाएंगे। तो चोली बनाने के लिए मैंने 2.5 इंच चौड़ी और 10 इंच लंबी एक पट्टी कट की थी और उसको फोल्ड करके सिलाई लगाकर टिश्यू रिबन की हेल्प से एक साइड से इसको लॉक कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और फिर इसको इसके सेंटर में यहाँ पर सिल देंगे इस तरीके से। तो चलिए मैं सिल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे क्या करना है। तो ये देखिए ये बॉडी मैंने यहाँ पर सिल दी है। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो इसे डेकोरेट करने के लिए देखिए मैंने ये पेज बनाए हैं। ये पेज बनाना मैंने आपको अपनी एक वीडियो में सिखा रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को चेक कर लें और ये पेज बनाना सीख लें। ये देखिए इनको हम यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे। ये दो तरह के पेज मैंने बनाए हुए हैं, एक हार बूटी है और दूसरा लीफ शेप में है। और इसके बाद में हम यहाँ पर मेटल बूटी लगाकर इसको डेकोरेट कर देंगे। तो चलिए कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने इसको डेकोरेट कर दिया है। इस तरह से ये पोशाक बनकर तैयार है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये पोशाक और मेरे सिखाने का तरीका कैसा लगा। वीडियो अगर पसंद आई और आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें और आगे भी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक करना बिल्कुल न भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग एंड कीप स्माइलिंग।